ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, जो बीट कर सकता है आ जाओ। I was not able to sleep well for the last few days. सारा दिन आप ऐसे लाश की तरह पड़े रहते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तुम की लिबिग अनाउंसमेंट कर दे कि वो अपना नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा खेलने वाले, इसके विषय में हम आपको आगे डिटेल पूर्वक अपडेट देंगे। प्लस दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल फिटनेस, अली बिलाल, भुवन चौहान, अभिषेक यादव एंड निक वालकर के लेटेस्ट फिजिक अपडेट के विषय में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है अभिषेक यादव। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिषेक यादव, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखते हुए डे वन गेनिंग स्टार्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर अभिषेक यादव की लेटेस्ट फिजिक देख सकते हैं पिकअप वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव जब 2023 में सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या वो उसमें मैन फिजिक कैटेगरी में प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जो बताएगा और अभिषेक यादव को बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखेगा। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है राहुल फिटनेस। दोस्तों राहुल फिटनेस ने अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर किए, जैसे कि आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं बॉडी सेटेड दिखने लगे, मतलब कि इन्होंने भी अपनी कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि दोस्तों अभी 3 वीक्स आउट है मुंबई प्रो शो के लिए। दोस्तों आप इनके एब्डोमिनल पार्ट्स ऑब्लिक एरिया में फोकस कर सकते हैं, कंडीशन टॉप नॉच पर लग रही और लव हैंडल की भी कंडीशन काफी अच्छी लग रही। दोस्तों जब वहीं पर हम शोल्डर की बात करते हैं, शोल्डर में 3D शेप में दिख रहा है, साइड डेल्ट की भी कंडीशन काफी अच्छी, कंप्लीट आर्म्स में आप देख सकते हैं वेंस क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या राहुल फिटनेस मुंबई प्रो शो को जीत सकते कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जो बताएगा। क्या राहुल फिटनेस भुवन चौहान और अली बिलाल को बीट कर सकते कि नहीं, आपको क्या लगता है, आप हमें मेंशन करके जरूर बताएगा। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है अली बिलाल। दोस्तों अली बिलाल इस पिक को शेयर करते हैं, इसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं द बेस्ट इज एट टू कम, मतलब कि जो इनकी फिजिक है इससे भी बेस्ट क्वालिटी में आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या अली बिलाल मुंबई प्रो शो या फिर मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 के अंदर आ पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आप लोगों को मैन फिजिक कैटेगरी में आपका सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है, अली बिलाल, जैरवी सर या भुवन भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं भारत की आन मान शान अफरोज खान। दोस्तों हम अफरोज खान की लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुके हैं सुनामी न्यूट्रिशन प्रो शो कप की तरफ से, ऑफिशियल रूप से अपडेट आ गई कि उनके मैन फिजिक कैटेगरी में कौन कौन से बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप पास आप लिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमारे अफरोज भाई का भी नाम है। तो दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि सुनामी न्यूट्रिशन प्रो शो कप में अफरोज भाई भी अपने पार्टिसिपेट करें, जिसके विषय में हमने आपको इसके पहले भी अपडेट दे चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये प्रो शो है 9 अक्टूबर को और ये होने वाला इटली में। तो दोस्तों अफरोज खान भाई के लिए बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस जरूर दीजिएगा कि इस बार अफरोज भाई अपने फ्रांस प्रो शो से भी ज्यादा बेटर करके दिखाएं और भारत का झंडा सुनामी प्रो शो में जरूर लहरा के आए। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं निक वालकर। दोस्तों निक वालकर के लेटेस्ट फिजिक अपडेट लेके आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पास आप इनकी कंप्लीट अपर बॉडी में फोकस कर सकते हैं कि उन्होंने मसल मास काफी ज्यादा कैरी करके चल रहे मिस्टर ओलंपिया के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि निक वालकर भी मिस्टर ओलंपिया में ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें बिग रेमी खेलते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग लगता है, क्या निक वालकर बिग रेमी को बीट कर सकते हैं इस बार के 2022 के मिस्टर ओलंपिया, जो कि दिसंबर मंथ में वेगस में होने वाला। दोस्तों निक वालकर इस पिक के नीचे कैप्शन में लिखते हैं नाउ वी आर मूविंग एंड ग्रोविंग। तो दोस्तों इस बार का मिस्टर ओलंपिक काफी ज्यादा रोमांचक भरा होने वाला है कि कौन जीतेगा ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में या फिर कोई बिग रेमी को बीट कर पाएगा इस साल की नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है भुवन चौहान। और दोस्तों भुवन चौहान ने क्या अपडेट दिया, आप उसको सुन लीजिए। इट्स क्रेजी हाउ ग्रेट यू फील व्हेन यू हैव अ गुड नाइट स्लीप। I was not able to sleep well for the last few days just because of being low body fat and just typical prep stuff. But finally had a good sleep yesterday and feel like a million bucks today. हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है लवप्रीत। दोस्तों कंपटीशन के समय बॉडी बिल्डर को क्या प्रॉब्लम होती है 2 से 3 वीक्स पहले, इसके विषय में लवप्रीत कुछ अपडेट दे रहे, तो हम उसको सुन लेते। फिर उसके बाद तरुण गिल ने किस कंपटीशन के विषय में अनाउंसमेंट किया और किसको ओपन चैलेंज किया, इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए कि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार बॉडी बिल्डर और कॉम्पिटिशन से रिलेटिव सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँच सके। ये हिंदी में बना देते हैं स्टोरी, गल इदा भी मिक्स आ, चलो निकल जाती बिच पंजाबी भी। सो ऐसे बात है कि जब आप लो कार्ब्स पे होते हो ना, जो लास्ट डेज होते हैं, लास्ट वीक्स कह लो, जो 3 वीक्स आउट, 4 वीक आउट, सारा दिन आप ऐसे लाश की तरह पड़े रहते हो लिटरली, बिकॉज यू आर ईटिंग नथिंग। नथिंग मीन सिर्फ आप, मैं अपनी कैलोरीज नहीं बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे मैं इतनी कम कैलोरीज पे हूँ।
तो रिंग कार्ब्स बता देता हूँ, आई एम टेकिंग 50 ग्राम कार्ब्स अ डे, और उस पर इतना हार्ड इंटेंस वर्कआउट, फिर होश नहीं रहती, बस हार्ड वर्क। देख रहे हो क्या है ये, हार्ड कैश। बहुत चुल थी ना तुम्हें जानने की कि मैं क्या कंपटीशन खेलूँगा, कब खेलूँगा। ये लो, 5th, 6th, 7th November को कौन सा कंपटीशन है यश? कंपटीशन है बिग फिट क्लासिक। बिग फिट क्लासिक 5th, 6th, 7th November को दिल्ली में। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, जो बीट कर सकता है आ जाओ। 1 crore कैश प्राइज है, 1 crore। पिछली बार खेला था प्रो कार्ड के लिए, बट इस बार इट्स ऑल अबाउट द मनी हनी। देख रहे हो ना, सो ओपन चैलेंज टू एवरीवन, वांट बीट मी, 1 crore जीतना, आ जाओ, विल सी यू देयर 5th, 6th, 7th November। डेट मार्क कर लेना अगर हिम्मत है तो। कम